लोगों के परिवारजनों को मिले 4 लाख का मुआवजा। जिला कांग्रेस कमेटी 15 सत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। साजापुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ को सौंपा, जिसमें कोरोना महामारी से जिनकी मौत हुई है उनके परिवारजनों को 4 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान किए जाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना के नेतृत्व में जिला पंचायत सीईओ मीसा सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की कि कोरोना बीमारी से कई लोगों के घर उजड़ गए हैं और कई लोगों के यहाँ कमाने वाला ही कोई नहीं बचा, इसलिए उनके परिजनों को 4 लाख। जिला कांग्रेस शाजापुर के द्वारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया है। इसका बड़ी मांग ये बैठपूर्ण सरकारें घोषणाएं कर रही हैं, उन घोषणाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी लंबा हो गया है। इससे निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब बना है। उनको राशन सही तरीके से वितरित किया जाए। सरकार कह रही है कि हम पर्ची के आधार पर जो लोग इसके पात्र नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा, लेकिन उसका क्रियान्वयन किस तरीके का होता है, क्योंकि सरकार की ये बात तो रेमडेसिविर इंजेक्शन पे भी लागू थी। रेमडेसिविर के लिए लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शन जो लोग पात्र हैं, 70% 80% से ज़्यादा लोग इन्फेक्शन जिनको है उनको लग रहा है, लेकिन ये बात सत्यता नहीं है। नेताओं के कहने पर 20% 30% वाले इन्फेक्शन वाले लोगों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, 70% 80% वाले लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और लोकल के बहुत सारे नेता इसमें शामिल होकर, और मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार से उनके नुमाइंदों से निवेदन करता हूं कि ये महामारी का वक्त है, ये दुआओं का वक्त है, इस टाइम पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। पात्र लोगों से उनका हक इस समय पर नहीं छीनना चाहिए। ऐसी बहुत सारी 15 मांगों को लेकर आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया है, और हम ये मांग करते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो जो लोग इसमें मृतक हुए हैं उनके परिवार को 4 लाख की सहायता दी जानी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की लेट नथिंग नहीं करनी चाहिए। और एक और काम अभी जो हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में ये बीमारी चली गई है और ग्रामीण अंचल के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 15 तारीख के बाद जिन लोगों के गेहूँ तुले हैं उन लोगों को राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनको डबल मार पड़ रही है। सोयाबीन की फसल भी खराब हो गई थी, गेहूँ के पैसे भी नहीं आए। इस स्थिति में ग्रामीण अंचल के लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं है, और जहां उन लोगों के लोग बीमार हो रहे हैं ग्रामीण अंचल में लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है। सरकार से एक और निवेदन है कि जिन लोगों की गेहूं की राशि रोक ली गई है उनको शीघ्र से शीघ्र वो राशि उनके खाते में डाली जाए। धन्यवाद।